हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास टेंथ का है इसके चैप्टर नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम इसे पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। तो आइए इस चैप्टर के बचे हुए हिस्से को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। कालिदास जी कहते हैं, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। यहाँ हरिण सावक का जो बच्चा है उसे बाण लग चुका है, जिससे कि वो घायल हो चुका है और उसी की रक्षा करने के लिए कालिदास उसे अपने साथ में लेकर उसकी सेवा कर रहे हैं। और ये बाण किसने छोड़ा है? दंतुल ने। वह कोलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। अब कालिदास जी कहते हैं कि तुम पहले से ठीक हो रहे हो, स्वस्थ हो रहे हो, तुम्हारा जो शरीर है वो रुई की तरह कोमल है, आखिर उसने तुम्हें बाण से मारा कैसे। मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें तुम्हारी माँ का एहसास स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है और मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका कहती है, सच माँ आज रुष्ट है, माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। तो यहाँ पे माँ को किस प्रकार से अपवाद, अपवाद का मतलब होता है निंदा की, कि कोई निंदा नहीं करे, तो इसकी चिंता रहती है। और माँ इसीलिए आज गुस्से में भी है क्योंकि मैं भीग कर आई हूँ और माँ को पता है कि मैं आपके साथ में ही होंगी। कालिदास जी कहते हैं, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है और मल्लिका हरिण सावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है, यानी बर्तन को, दूध वाले बर्तन को और उनके निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। ये उनको यानी हरिण सावक को और ज़्यादा वो दूध पिलाने के लिए ये सारी वाक्य कह रहे हैं। राजपुरुष दंतुल देवड़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है और देवड़ी यानी द्वार या दहली पर क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है और ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। अब दंतुल जिसने बांध छोड़ा था वो कालिदास के निकट आता है उनके द्वार के पास में और उन्हें देखता है। दंतुल कहता है, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं कि इसे बाण से मारने के बावजूद ये ऐसा कैसे कह रहा है। मल्लिका हरिण सावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है और कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, एक दूसरे को नहीं जानते। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम्हारा साहस कैसे हुआ कि तुम यहाँ आए हो? मल्लिका भी देखती है और कालिदास जब कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो, फिर यहाँ आने का साहस कैसे? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की ओर। दंतुल कहता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। मतलब ये तो जब हरिण सावक को मारा तो उससे जो रक्त बहा उसके सहारे ही वो इस घर तक पहुंचा, नहीं तो यहाँ तक वो कैसे पहुंच पाता। और तुमने
मेरे द्वारा बाण चलाए गए ये हरिण को तुमने कैसे ले लिया? कालिदास कहते हैं, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, यानी चिढ़ाने के अंदाज में हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास कहते हैं, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो दंतुल कहता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहे हो? जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। सामुद्रिक मतलब हस्तरेखा विद्या का, ज्योतिषी का काम भी करते हो, जो तुम देखकर बता दे रहे हो कि मैं इस जगह का नहीं हूँ। मल्लिका चोट खाई से कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल कहता, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण सावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास कहता, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। आखेट यानी शिकार। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। अब ये कैसे पहचान रहे कि वहाँ का निवासी नहीं है? क्योंकि वहाँ के लोग इस तरीके से शिकार नहीं करते हैं। दंतुल कहता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे कि मैंने जो अपराध किया है? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास कहता है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति होती है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण सावक मुझे दे दो। कालिदास कहते हैं, यह हरिण सावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंपे देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर यानी बिस्तरे पर, अंबिका सहसा अंदर आती है। इतना ही जब बात चल रहा है तो यहाँ से सजातीय मतलब एक जाति वाले, और तल्प मतलब अटारी पे या आस्तरण यानी बिस्तरे पर इसको लेटा दो। उतने में ही अंबिका अचानक से आती है, कहती है, अंबिका इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण सावकों के लिए नहीं है। अंबिका कहती है, यहाँ हरिण सावक को नहीं लेटाना है, ना ये तल्प पर और ना आस्तरण पर। मल्लिका कहती है, तुम देख रही हो माँ? अंबिका कहती है, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। कालिदास कहता है, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण सावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है, मैं इसे घर ले जाऊँगा। द्वार की ओर चल देता है। अब कहता है कि ठीक है, यहाँ अगर नहीं रखना है तो मैं अपनी बाहों में रखूँगा इसको, और यही इसके लिए बिस्तर का काम करेगा, और मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। तो दंतुल कहता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। तुम इसे ले जाओगे और मैं इसे देखता रहूँगा कि तुम इसे लेकर जा रहे हो। कालिदास कहते हैं, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पर। देखना चाहते हो तो देखो, बिना उसकी ओर देखे देवड़ी में चला जाता है, देवड़ी यानी दरवाजे की तरफ चला जाता है। दंतुल कहता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, इच्छा अनिच्छा क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। दंतुल उसे बार बार रोकने का प्रयास करता है, लेकिन कालिदास नहीं रुकते हैं। कालिदास कहते हैं, संभवतः। दंतुल कहता है, संभवतः? तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है कि मैं इसे मारने नहीं दूंगी। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण सावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का, वो इमोशनल है इसके प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, और आप इसके लिए लड़ रहे हो। कालिदास निःशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे कि तुम्हारे पास तलवार है। दंतुल कहता है, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण सावक के लिए तर्क कर रहा था, क्या वे कवि कालिदास हैं?
मल्लिका कहती है, हाँ हाँ परंतु तुम यह नहीं जानते हो कि कालिदास कवि हैं। दंतुल कहता है, कैसे जानता हूँ। उज्जैनी यानी उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानता है, यानी कवि कालिदास को ये लोग जानते हैं, ये बहुत फेमस है ऋतु संहार के लिए। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल कहता है, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उनकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं, क्यों, कवि कालिदास को सम्मान देने के लिए। यह सुनकर मल्लिका स्तंभित सी हो जाती, आश्चर्यचकित हो जाती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल कहता है, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और ये हरिण सावक को छोड़ देते हैं। और कवि कालिदास किस तरीके से अपनी रचना के लिए फेमस हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, और वे हरिण सावक को वहीं पर छोड़कर कवि कालिदास का सम्मान करते हुए वहां से लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।